बम बोले, रुकिए, अरे रोको नहीं, मत उत्साह में है, उसे आने दो, आओ पुत्र आओ। बम बोले, प्रभु की जय हो। उधर नहीं बेटा, इधर आओ, जो कहना है यहाँ कहो। बम बम बोले, प्रभु की जय हो, प्रभु की जय हो। भगवान आप कहाँ हैं? पिरट में आइए, हम आपको थंकू बोलना चाहता हूँ। हैं? वो यही है, हमका टॉयलेट में मिले थे। हम अपनी प्रॉपर्टी मांगा तो दौड़ लगा लिए, हमका फीलिंग हुआ कि खिसक लिए, लेकिन नहीं, वो हमका यहाँ लेकर आए हमारी प्रॉपर्टी के पास। प्रभु की जय हो, प्रभु की जय हो। इस शिव जी के डबरुआ का मन का नहीं है, ये हमारी प्रॉपर्टी है, गलती से आपको डिलीवर हो गया और आपका मन का कहीं और चला गया। पूछे उनसे जय कहीं है। प्रभु सामने आइए ना, फ्रंट में बताइए। ठीक है, हम अपनी प्रॉपर्टी ले जाते हैं। अरे रुको भैया, आपको कब से लग रहा है कि आप किसी और प्लैनेट से हैं? देखिए, आपको किसी साइकाइट्रिस्ट यानी दिमाग के डॉक्टर से मिलना चाहिए। चलिए मैडम, 500 में इतनी सजा दे सकते हैं। एक मिनट, ये मेरा कार्ड है, इस पे मेरा नंबर लिखा है, आप चाहें तो मैं आपके लिए अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकती हूँ, बेझिझक मुझे फोन करना। ओके, ठीक है, थैंक यू पांडे जी। आपको हमारी स्टोरी झूठी लागत है तो जाइए उस सुसाइड वाला कुतवाई दिखाइए टीवी पे। निक्कू, वही है आपके नसीबा माँ। पांडे जी, मुझे बस 2 मिनट के लिए वापस अंदर जाना है। ये क्या बार बार अंदर कर रही है? एक काम कर, 500 का लोट और दे और पूरा आदमी ले जा। निक्कू, सुसाइड वाला कुत्ता, ये मैं तुम्हें कब बताया? अब आओ ना। तुम्हें कैसे पता चला? जब आप हमारा हाथ पकड़ा था तब जॉन आप सोच रहा था वो काम रीडिंग मार लिया, आप सोच रहा था कि गई स्टोरी, अब निक्कू ही है हमारे नसीब में। झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हें बताया होगा, सच बताओ। मैडम, हमका झूठ बोले आवाज ही नहीं है, झूठ तो सबसे निकलता है, हमारे गोले पर तो लोग हाथ पकड़ कर दिमाग पढ़ लेता है। लाओ हाथ। नो वे। अरे लाओ। मेरी मदद करो पुत्र जी, मेरी वाइफ बहुत सीरियस है, यहाँ अस्पताल में दाखिल कराने के लिए अस्पताल वाले 10,000 रुपया मांग रहे हैं। मेरे पास 500 कम है, अगर तू 500 दे देगा पुत्र तो मैं अपनी वाइफ को। हम लेट। तू मुझे अपना पता लिखा दे, मैं मनी ऑर्डर से भेज दूंगा पुत्र। हमारे घर मनी ऑर्डर नहीं पहुंचेगा अंकल, आप रख लो। शुक्रिया बेटा, शुक्रिया। अंकल, 100 रुपया और रख लो, टिप दे खाते। लो, प्रूव हो गया, तुम कोई माइंड वाइंड नहीं पढ़ सकते, तुम्हें दिखाई नहीं दिया वो आदमी तुम्हें बेवकूफ बना के चला गया, यहाँ आसपास कोई हॉस्पिटल नहीं। मालूम है हमका, वो अपना वाइफ को 5-star होटल खाना खिलाने लाया है, आज उसका वाइफ का 75वां सालगिरह है, 75 साल माँ का वाइफ कभी 5-star होटल नहीं गया, महीनन से थोड़की पैसा जमा कर रहा है पेंशन से, वाइफ ने आइसक्रीम का ऑर्डर मार दिया, बजट से आउट हो गया, वाइफ को बोला बाथरूम जा रहा हूँ, यहाँ आ गया पैसा जोड़ने। कुछ भी मैडम, हमारा गोला पर लोग झूठ नहीं बोलता है, बाकी आपका मर्जी।
तेरी सालगिरह है, खुशी का मौका है। बोला ना, हमारे गोले पर कौनो झूठ नहीं बोलता। तुमने किसी को बता? तुमने किसी को बताया तो नहीं ना तुम एलियन हो? बताता तो लेबोरेटरी में डाल देता हमका, काट कूट के देखता सब के हमरे अंदर कहा है। तो फिर मुझे क्यों बताया? जब से हम ही गोला पर आया हूँ, हर कोई हमसे पैसा लिया है, कौनों का भी दिया नहीं है। तुम पहला मिला जॉन, हमारी खातिर 5,000 डब्बा में डाल दिया। अंदर से फीलिंग आया कि तुम जेंटलमैन है, तुमका ट्रस्ट कर सकता है। मैं तुम्हारा रिमोट दिलवाऊंगी पीके। कैसे? अभी वो पता नहीं, पर तुम अपने घर वापस जरूर जाओगे। That's my promise.